करनाल के नीलोखेड़ी हलके के गांव सोकड़ा में आयोजित किसानों के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने बीजेपी को निशाने पर लिया। टिकैत ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण आज पूरे देश में 36 बिरादरी के लोग कर्जदार हैं, लेकिन सरकार विकास का राग अलाप रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की वायदा खिलाफी के चलते किसान फिर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे, इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है और इसकी रणनीति हरिद्वार में होने वाले किसान सम्मेलन में तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन अगले महीने जून में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तय होगा कि फिर से किसान आंदोलन कब से शुरू किया जाए। ये रिजर्वेशन रखा गया, क्यों रखा गया, क्या अपने संगठन पे चर्चा कर रहे हैं, हम संगठन कैसे बढ़ेगा उस पर चर्चा कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, बहुत दिन से आपस में नहीं मिले, कई स्टेट के लोग यहाँ पे हैं, अपनी बैठ कर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि आप पे उन्होंने कहा है कि ईवीएम की एक ही संगठन राजनीतिक दल के लिए उन्होंने, चलो जो जिसने कहा ईवीएम पे कहो भाई, जब कोई घर में से जागा किसी बहु को घर में नहीं रहना तो कड़ियों में सांप बता कर, पुरानी कहावत है, जब किसी को जाना तो कुछ ना कुछ तो कह के जागा, कुछ कहने के लिए नहीं है तो कुछ ना कुछ बोल लगा, बोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, अब जब जाना है तो कहना तो पड़ेगा। संयुक्त मोर्चा की मीटिंग कब होनी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? अभी होगी मीटिंग, तय करेंगे संयुक्त मोर्चे की कब होगी और जल्दी ही मीटिंग होगी, छोटी बड़ी मीटिंग उनकी सब होती रहती है, अभी तो पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि काफी दिनों से कोई मीटिंग नहीं हुई, एमएसपी पे कोई कमेटी नहीं बनी, सरकार करी, हमने आपसे मांगा था, आपने दिया नहीं, उसके लिए दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और देंगे उनको। सर एक सवाल ये है कि लगातार जो सरकार ने गेहूं की कमी होने की वजह से अब एक्सपोर्ट पे बिल्कुल बैन कर दिया, उसको कैसे देखते? देखो खुलना चाहिए, गेहूं के बैन से नुकसान होगा, अब के 2 रुपया किसानों को मिल जाता, लेकिन भारत सरकार जो चाहती है कि किसानों को कमजोर करना चाहती है, उनको आर्थिक कमजोर किसान रहे, ये उनकी पॉलिसी है, पूर्ण रूप से इसीलिए गेहूं पे बैन लगाया है। आप समझते हैं कि जो आपके किसान नेता इलेक्शन में गए पंजाब में, उसका आपको नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है, उसका नुकसान हुआ है।